Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist at Tabir Academy. Here, my target is to give an overview and explanation of the topics that are included in the syllabus of MDCAT by PMC. So, Tabir Academy pe hum log aapko itni information provide karenge about the certain topics or the selected topics ki agar aap ye topics prepare kar lein and aap is video ko acche se understand kar lein, uske baad aap अपनी तसल्ली के लिए इफ यू गो टू ताबीर एकेडमी एंड वहां पर आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो यू विल बी इंशाल्लाह प्रिपेयर फॉर एमडीकैट. सो लेट्स प्रोसीड टू टुडेज टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ओपन चेन क्या होते हैं और क्लोज चेन क्या होते हैं. नॉमेनक्लेचर क्या होता है एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स का. बेंजीन की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, उसके रिएक्शंस, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब हमारे मेन टॉपिक्स हैं. उसके बाद हमारे पास टॉपिक है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन. हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पर हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड do or explain all of these things by the end of the chapter. So ye hamare kuch learning objectives hain. So chemistry of hydrocarbons. Hydrocarbons organic compounds hote hain and hydrocarbons are made from carbon and hydrogen only. They have been divided into various classes based on the structure or the size or the nature of the ring. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ओपन चेन और ए साइक्लिक. देन हमारे पास है क्लोज चेन और साइक्लिक. ओपन चेन में सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसेचुरेटेड. अनसेचुरेटेड जिनमें बॉन्ड्स होती हैं, बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड. और सैचुरेटेड में देर विल बी सिंगल बॉन्ड ओनली. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सैचुरेटेड अल्कीन्स की, दैट इज मीथेन एंड इथेन. और हमारे पास अनसेचुरेटेड में है अल्कीन्स में है इथेन एंड अल्काइन्स में है इथाइन. सो हियर यू कैन सी देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड हियर इज द ट्रिपल बॉन्ड. सो क्लोज चेन में हमारे पास आ जाते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन के अगर आप इनका रिंग ओपन करें तो दे विल अपीयर एज अ स्ट्रेट चेन. तो अगर उनका रिंग ओपन करें तो वैसे लगेंगे. और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर बेंजीन रिंग जरूरी होता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन हैं जैसे मैंने बोला कि उनके अंदर सारी कार्बन की जो सी वेलेंसी है ना वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होती है. उसके साथ लाइक अगर एक कार्बन है तो उसके साथ चार के चार हाइड्रोजन होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं. सो उनके अंदर डबल बॉन्ड की गुंजाइश ही नहीं होती. सो दे हैव सिंगल बॉन्ड. अनसेचुरेटेड में दे हैव डबल बॉन्ड एंड दे कैन हैव सिंगल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल C2H4. सो एक कार्बन के साथ देर आर टू हाइड्रोजन एंड एक कार्बन के साथ देर आर टू हाइड्रोजन. सो दो जोंसी है हमारे पास वैलेंसी जोंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई. सो वहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाती है. एल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स. देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2. सो नंबर ऑफ कार्बन इज वन दैट इज सी. उसके बाद हमारे पास फोर हाइड्रोजन होंगे तो दैट इज मिथेन. फिर हमारे पास टू है इथेन, दो कार्बन, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है सिक्स. हमारे पास प्रोपेन है तीन कार्बन और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन है एट. ब्यूटेन में फोर कार्बन, हमारे पास हाइड्रोजन है टेन. सो रिएक्टिविटी इनकी क्या है. अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन. दे आर सिग्निफिकेंटली लेस रिएक्टिव. व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि उनकी वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. सो दे डोंट नीड टू बी अटैचिंग टू एनी अदर एटम. उनको उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है. दैट इज वाई दे आर लेस रिएक्टिव. However, they give two types of reaction. एक होता है substitution reaction, जिसमें आप एक चीज को दूसरी चीज से replace कर लेते हो, और एक होते हैं thermal and analytic reactions. इनके reactions, in these reactions के अलावा जो combustion reaction है, combustion reaction जिसमें oxygen use होती है. So complete combustion की हमारे पास example है यहाँ पर, that is methane plus oxygen.
हम उसको फ्लेम प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. इनकम्प्लीट कम्बशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. सो यहाँ पे CH4 के साथ हमारे पास ऑक्सीजन और हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वी हैव एग्जाम्पल हेयर ऑफ हेलोजिनेशन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स बाय हेलोजन ग्रुप, उसके अंदर हेलोजन रिप्लेस करता जाएगा किसी एक एटम को. हेलोजिनेशन प्रोसीड्स इन सनलाइट और एट लाइट टेम्परेचर. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन कम्स क्लोरीन, देन कम्स ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन. आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव. सो मीथेन प्लस ब्रोमीन, सो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड बन गया और हमारे पास HBr आ गया. क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर हेल्पफुल क्योंकि ये नॉर्मली रिएक्ट कर रहे होते हैं. ये ना बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है ना ही बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बट फ्लोरीन का बहुत विग्रेस रिएक्शन होता है और आयोडीन का बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है और वो रिवर्सिबल भी होता है. तो इसीलिए वो हमारे पास इतने लेबोरेटरी में हेल्पफुल नहीं होते, बट क्लोरीन एंड ब्रोमिन होता है. हेलोजिनेशन अकर्स बाय द फ्री रेडिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. सो हमारे पास ये स्टेप्स हैं जो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे. हेलोजन फ्री रेडिकल इज फॉर्म बाय हीमोलाइटिक क्लीवेज. ओके, हीमोलाइटिक क्लीवेज होता है जिसके अंदर एक जो दोनों फ्रेगमेंट्स होते हैं कार्बन के वो एक एक इलेक्ट्रॉन उनको मिल जाता है. ठीक है, मतलब एक वो इक्वली बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक होती है. सो ब्रोमीन ब्रोमीन मिलके ये क्या बना रहे हैं, Br2, दैट इज द फ्री रेडिकल. प्रोपेगेशन में हमारे पास रेडिकल है, रेडिकल के साथ हमारे पास मिथेन है. ये हमने मिथेन को यहाँ पर हियर मिथेन को हमने यहाँ पर ओपन करके थोड़ा लिखा है, दैट इज हाइड्रोजन है CH3. सो अगर कंबाइन करेंगे सो इट बिकम CH4. सो यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्रोमीन, इस ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन की आपस में एक कंपाउंड बन गया एंड CH3 हमारे पास सेपरेट आ गया. फिर उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन और फिर हमारे पास दिस CH3, तो यहाँ पे दोबारा से ब्रोमीन आ जाएगा और CH3 के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. सो दिस कंप्लीट रिएक्शन, अगर हम इसको एक ही रिएक्शन में लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी ब्रोमीन मिथेन एंड द एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ब्रोमीन एंड CH3 ब्रोमीन. ओके, प्रोपेगेशन प्रोसीड थ्रू वेरियस स्टेप्स टू गिव मोर प्रोडक्ट्स. टर्मिनेशन, इसमें हमारे पास मिथेन का रेडिकल है, देन ब्रोमीन का है, देन हमारे पास ये कंपाउंड बन गया. उसके बाद हमारे पास ये दोनों है और ये कंपाउंड बन गया, ये दोनों है और फिर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बन गया. द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज. जितना हेलोजन यूज होगा उतने ही ज्यादा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिथेन है यहाँ पर, यहाँ पे हमारे पास भी है क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है दैट इज क्लोरोमिथेन और हमारे पास एक इधर से एक जो CL सेपरेट हुआ था उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होके इट मेड HCl. हमारे पास अब हमारे पास जन सा है इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड के साथ हम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है. फिर इसको अगर हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे पाई क्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ हमारे पास क्लोरोफॉर्म आया. तो क्लोरोफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन केमिस्ट्री. और अगर हम क्लोरोफॉर्म को दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे देन वी विल गेट टेट्राक्लोरोमीथेन दिस कंपाउंड. प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड. अल्काइल हेलाइड मतलब लाइक इसके अंदर हेलोजन है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टू यील्ड अल्कीन. इस रिएक्शन से हमारे पास अल्कीन बनेगा और इसके अंदर रिमूव क्या होगा, इसके अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसके अंदर एक हेलोजन रिमूव होगा. सो सबसे पहले वी हैव दिस आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज दिस आर इज गोइंग टू बी एच, ठीक है, एंड दिस एक्स इज क्लोरीन. ठीक है, सो Rch2CH2, सो Cl, सो दिस कंपाउंड बिकम CH3CH2Cl प्लस KOH. अल्कोहल में अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बन जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2 देन KX एंड देन H2O. अब हम असल रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं. द प्रॉपर एग्जांपल दैट इज CH3CH2Cl प्लस KOH एंड ये हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है. सो दिस इज एन अल्कीन. हमारे पास आ गया पोटेशियम क्लोराइड एंड साथ उसके आ गया वाटर. सो हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और हेलोजन भी रिमूव हो गया. ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ एंड इस कार्बन के साथ से एक
हेलोजन रिमूव हुआ. दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, एंड उस कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन. इफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन, अ मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज द मेजर प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास है CH3CH2CHBr एंड देन CH3. उसके बाद हमारे पास अल्कोहल और वो भी के और इस देन वी गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड उसके बाद हमारे पास CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द सेफ रूल विच एम्फसाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होती है? रिमूवल ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन को हम रिमूव कर रहे हैं कहाँ से? अल्कोहल से. और हमारे पास बनेगा क्या? अल्कीन. हमारा टॉपिक ही है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. सो वन टॉपिक इज दिस एंड द अदर प्रिपरेशन मेथड इज दिस. द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन इज कैरिड आउट बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. और वी हैव नॉट ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, वी हैव फॉस्फोरिक एसिड, वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वी हैव फॉस्फोरस पेंटोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सो दीज आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो वाटर को रिमूव कर लेते हैं. द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल यूज करें? अगर टर्शरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो ज्यादा इजिली डिहाइड्रेशन होगी. अगर सेकेंडरी कर रहे हैं तो उससे थोड़ा स्लो होगा प्रोसेस, एंड प्राइमरी में उससे भी स्लो. टर्शरी अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड रेडिली ड्यू टू स्टेबल टर्शरी कार्बोकेशन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इन विच सेकेंडरी कार्बोकेशन इज फॉर्म्ड इन सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल कार्बोकेशन लीस्ट स्टेबल इज फॉर्म्ड इन प्राइमरी अल्कोहल. सो दीज आर द reactions. And यहाँ पे if you can see, so हमारे पास dehydration compound कौन सा use हुआ है? That is sulfuric acid. Reactivity. Alkenes have one or more double bonds. लेकिन होगी क्या? Double bond. अगर triple bond हो तो that will be called alkynes. In a double bond there is one sigma and one pi bond. Pi bond is relatively weak. It can easily be attacked by an electrophile. Electrophile होते हैं वो atoms और कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी से. दैट्स व्हाई अल्केन्स आर अ वेरी रिएक्टिव ग्रुप. अल्केन्स आर अ वेरी रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. अल्केन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जनरली. सो जनरल रिएक्शन हमारे पास ये है. डबल बॉन्ड में हमारे पास दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एन इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? दिस इज अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो गया. और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गए? पॉजिटिव. अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट रिएक्शन होगा, वी विल गेट CH2 एंड विद द E. सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन. अब हम अल्कीन्स के कुछ रिएक्शन देखें. फर्स्ट हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन देखी, अब हम अल्कीन्स के कुछ रिएक्शन देखेंगे. सबसे पहला रिएक्शन है अल्कीन्स का, दैट इज हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं? कैटलिस्ट इज एटम और कंपाउंड विच कैन स्पीड अप अ प्रोसेस. सो निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है. और हमारे पास एटमोसफेयर, हम लोग मोस्टली क्या रखते हैं? एटमोसफेयरिक प्रेशर, दैट इज 1 to 5 atm. It is highly exothermic. Exothermic means it will give off heat. So जब reaction हो रहा होगा, ये reaction होगा तो surrounding में heat increase हो जाएगी, system की heat increase हो जाएगी. One mole of an alkene is hydrogenated is called heat hydrogenation. The amount of heat evolved when one mole of an alkene is hydrogenated is called heat hydrogenation. Okay? CH2 plus H2. तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH3. और हीट हमारे पास कितनी रिलीज हुई? दैट इज 120 किलो जूल्स पर मोल. मेनली रानी निकल. रानी निकल इज स्पॉन्जी निकल. ओके, इट इज एम्प्लॉयड एंड इट इज अटेन्ड फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम अलॉय. सो निकल एल्यूमिनियम प्लस NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स यू निकल एंड NaAlO2 एंड हाइड्रोजन. सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करें. सो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड. सो दिस डबल बॉन्ड मेक्स इट एन अल्कीन. और अब हमारे पास जो रिएक्शन आया उसमें हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. सो दिस बिकेम एन अल्कीन. हाइड्रोजिनेशन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड
इनटू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन. सो हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हेलोजन भी ऐड हो रहा है. सो व्हाट इज द बेटर वे टू ऐड हाइड्रोजन एंड हेलोजन, कि हम उसको किससे रिएक्ट कराते हैं, हम उसको हेलोजन एसिड से रिएक्ट कराते हैं जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है यहाँ पर आयोडीन एसिड, ब्रोमीन एसिड एंड देन क्लोरीन एसिड. ठीक है, व्हाई आयोडीन इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज आयोडीन की बॉन्ड इतनी इतनी वीक होती है हाइड्रोजन के साथ है, तो इसलिए वो बॉन्ड टूटना भी इजी होती है एंड देन इट रिएक्ट्स वेरी इजीली. सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एन एल्कीन, इट रिएक्ट्स विद HCl, इट विल बी फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन हैलाइड एंड अल्कीन हैलाइड इट विल बी फॉर्मिंग. सो दिस इज CH3 CH2 एंड Cl. मैकेनिज्म हमारे पास ये है जो आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें उसी तरह कार्बोकेशन होगी और हाइड्रोजन ऐड होगा, उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा. मार्कोनिकोव्स रूल, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टेक्स प्लेस बाय मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स रूल है क्या, यहाँ पे हमारे पास मार्कोनिकोव्स रूल दिया हुआ है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड किए जाएं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसके साथ नेगेटिव पार्ट जाके अटैच हो जाएगा. सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr वी आर गोइंग टू गेट 2 bromo propane. This is first carbon, this is second carbon, so 2 bromo and this is a propene compound. उस पर हमारे पास है methyl, 2 methyl, 1 propene. यहाँ पे हमारे पास 1 double bond कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर, और हमारे पास methyl कहाँ पे attach है, second carbon पर. So 2 methyl, 1 propene, उसके बाद HBr और हमारे पास compound आ गया 2 bromo 2 methyl propene. अब जो हमारे पास second है कार्बन, दिस कार्बन, उसी पे ब्रोमीन है और उसी पे मिथाइल है, सो इसीलिए हमने इसको 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन का नाम दे दिया. सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपीन. एडिंग हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन. सो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं. सो हमारे पास अल्कीन के अंदर हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, CH2Br, सो डाई ब्रोमो इथीन, वी गेट अ अल्कीन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज फ्लोरीन इज 2 रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे भी कम रिएक्टिव, एंड आयोडीन इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव. हाइड्रेशन, हाइड्रोजन वाटर की एडिशन अल्कीन के अंदर कहलाती है हाइड्रेशन. द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस कंपाउंड, दिस इज H2SO4, H2SO4 इसको ओपन करके थोड़ा लिखा हुआ है. सो CH2 दैट इज इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सो वी विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OSO3 H. इसी तरह हमारे पास कोई और कंपाउंड होगा, इसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा CH3CH2OH. OH इज द फंक्शनल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, सो दिस इज अ अल्कोहल. द एडिशन ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू मार्कोनिकोव्स रूल. यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2 दैट इज एन एल्कीन प्लस वाटर, तो हमारे पास आ गया CH3CHOCH3. पोलीमराइजेशन, इथीन मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड पोली इथीन CH2N डबल बॉन्ड CH2. 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 180 एम का प्रेशर एंड वॉल्यूम भी हमारे पास दिया हुआ है. सो हमारे पास है CH2 बॉन्ड CH2 एंड ब्रैकेट में एन. पोली मीन्स देयर कैन बी न्यूमरस, सो एन मीन्स वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर टू बी, सो दिस इज न्यूमरस. गुड क्वालिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट का नाम है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. ओके, सो दिस इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर choosing Tabir Academy and preparing your topics. Best of luck for the future.